नमस्कार दोस्तों, ऑल टी टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा मुझसे बार बार यही कहा जा रहा था कि अप्रैल का महीना जो है वो अब तो शुरुआत हो गई है, क्या 5 अप्रैल को लीव मिलेगी, और बहुत सारे प्रश्न है आप सभी का। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित यदि कोई भी न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल टी टी तैयारी चैनल को आप सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए हमारा प्रयास है। साथियों, मैं अभी राजेंद्र सर जी को आप सभी के बीच में लाया हूं। आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिन रात एक करके बिहार शिक्षक बहाली को यहां तक लेकर के आए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपको परेशान करेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ऑल टी टी तैयारी चैनल पर राजेंद्र सर जी को स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, हम बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर में बात करेंगे, उससे पहले हमारे जो एक साथी हैं जो बहुत ही सक्रिय रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली को पूर्ण करवाने के लिए, चंचल सर जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पे क्या कहना है सर जी का, आप लोग एक मिनट जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, चंचल जी हमारे संगठन के काफी सक्रिय सदस्य रहे हैं और हमेशा हम लोगों के लिए जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है उसमें काफी उनका योगदान है जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी परिस्थिति में वो काफी परेशान है और अभी जस्ट 15 मिनट पहले मुझसे बात भी हुई है, काफी वो रो रहे थे और मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से कभी हम भी गुजरे हैं और हमारी माँ का भी देहांत 25 नवंबर 2016 को इसी कैंसर बीमारी से हुई थी और अभी हम दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, लेकिन क्योंकि उनकी बीमारी लास्ट स्टेज में था, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि अब वो नहीं बच पाएंगे, आप चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लें। अंत में हम लोगों ने माँ को घर पर लाया पटना और 10-12 दिन के बाद 25 नवंबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक माँ को खोने का दर्द मुझे अच्छी तरह से मालूम है और इस दुनिया में माँ से बढ़कर के कोई नहीं होता है। आज भी उनकी कमी मुझे काफी खलती है और जिंदगी भर खलती रहेगी। उसी तरह से चंचल जी की माँ का भी काफी तबीयत खराब है और चंचल जी के ऊपर में जो बीत रहा होगा मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं बिहार के 94,000 अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके बिना विनती करता हूँ कि एक माँ के लिए कम से कम आप लोग थोड़े थोड़े से सहयोग करेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और हमें लगता है कि उनकी बीमारी सेकंड स्टेज में है तो वहाँ से रिकवर भी हो जाएंगे, और अगर हम लोग सारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं मिल करके और उनकी माँ को बचा पाए तो इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है जी। इसलिए भाइयों और बहनों, खासतौर से मैं सभी भाइयों से विनय करता हूँ, विनती करता हूँ कि चंचल जी को आप लोग थोड़े थोड़े सहयोग करें। 100-200 रुपया दुनिया में कुछ नहीं होता है जी। कितने हम लोग चीजों को खा जाते हैं, पी जाते हैं, अगर 100-200 रुपया दे करके किसी का जीवन आप बचा लेंगे तो इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा कल्याण दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। एक माँ को आप बचाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी माँ को बचा लिया। बिल्कुल। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप संकोच नहीं करें। उनका अकाउंट नंबर एक जो गूगल पे से जुड़ा हुआ है मैं जो इस चैनल पर भेजूंगा और उस चैनल के द्वारा आप लोगों को दिखाया जाएगा, उस पर गूगल पे पर भी आप लोग
भेज सकते हैं और उसमें सहयोग करें, ताकि जो आज उनकी जो स्थिति है, मैंने उनसे बात किया करीब 5 से 7 मिनट तक, वो काफी रो रहे थे और मुझे, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मेरे भी आंख से आंसू आ गए। इसलिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि कम से कम माँ को देखते हुए, मान लीजिए हमारी माँ है तो उनकी भी माँ है, तो आप लोग उस पर ध्यान देते हुए सहयोग करें। सहयोग राशि आप लोग 100 या 200 रुपया भी भेज देंगे तो कोई बड़ी रकम नहीं है, उनको एक कल्याण हो जाएगा, एक माँ को बचा पाएंगे। इसलिए भाइयों इस पर ध्यान दीजिए, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो हमारे संगठन में है या उनके इष्ट मित्र हैं, उनके गार्जियन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ जी, थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो उनको कल्याण हो जाएगा और हमें लगता है कि हम लोग सहयोग करेंगे तो उनकी माँ को जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल, इस बात को थोड़ा ध्यान दिया जाए जी। आपने अभ्यर्थियों से अपील किया है और मैं तो निरंतर करता ही रहता हूं कि 100-200 रुपया कुछ भी नहीं है, इधर उधर खर्चा हो जाता है। यदि आप अच्छे जगह इन 100-200 रुपया 500 रुपया को उपयोग करते हैं तो आपके लिए रखा रहेगा। मैं भी यही अपील करूंगा सभी अभ्यर्थियों से। तो सर हम आगे बढ़ते हैं और बिहार शिक्षक बहाली पे कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। जो पहला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि कल से जो है वो एक मैसेज बहुत वायरल हो रही है आईए के नाम पर कि ऑनलाइन मेंशनिंग कर दिया गया है, तो क्या ये सही बात है? देखिए, जो सरकार इस तरह का जो जो कदम उठा रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है जी कि ये सरकार करना क्या चाह रही है। ये बच्चों को जिस तरह से बहलाने और फुसलाने का जो काम सरकार कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को ऑनलाइन मेंशनिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। वो जो एजी महोदय है, आप उनको क्यों नहीं कहते हैं कि वो जा करके फिजिकल रूप से जा करके एक निवेदन आवेदन करें और मुख्य न्यायाधीश के सामने अगर एजी महोदय जा करके और आवेदन और निवेदन करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उनका भी, वो भी एक इंसान है, जरूर 94,000 अभ्यर्थियों के हित में जो जीवन इनका बर्बाद हो रहा है, हमें लगता है कि वो भी स्पेशल लीव दे सकते हैं। लेकिन ये सरकार लगी से घास से चोंगा से पानी वाला काम कर रही है, ऑनलाइन ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन करने की क्या जरूरत है, आपके पास तो सारा ऑप्शन खुला हुआ है जी। अगर आप चाहें तो आप वहाँ एजी महोदय को क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग? आप एजी महोदय के द्वारा ही मेंशनिंग कराइए, हमें लगता है कि वो ज्यादा सफल रहेगा जी। क्यों नहीं सरकार चाह रही है? और सरकार बोले कि हमने आवेदन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उनकी मंशा अगर क्लियर है, साफ है, तो बिल्कुल एजी महोदय के द्वारा काम कराए, क्या करके हो पाएगा? तो इसमें कोई सत्यता नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इसमें कोई सत्यता नहीं है? बिल्कुल सत्यता नहीं है। और मैं ये मैं जान रहा हूँ कि आप 2 बार जान चुके हैं कि ऑनलाइन ही मेंशनिंग किया गया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया, तो आप फिर ये क्या करना चाह रहे हैं? आप स्टूडेंट को, अभ्यर्थियों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत चिंतित हैं और हम ये कर रहे हैं? ये सिर्फ जो है ये बच्चों को झुंझुना देकर के बजाने वाला काम ये सरकार कर रही है जी। तो इस तरह का काम सरकार नहीं करे। सरकार को अगर सीरियसली काम कर रहा है तो सीधे एजी महोदय को भेजे और फिजिकल रूप से जा करके वो कहें कि हमें 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है, विद्यालयों में शिक्षक की काफी कमी है और विद्यालय में जो बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया काफी प्रभावित हो रही है, इन सारी बातों को अगर वहाँ आवेदन के रूप में करेंगे तो हमें लगता है कि मुख्य न्यायाधीश भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे और वहाँ से स्पेशल लीव मिल जाएगा। तो वो काम नहीं करके ऑनलाइन ऑनलाइन कर रही है सरकार, अभी इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो सर क्या हुआ, 5 तारीख को कह रहे हैं, 5 तारीख को बता रहे हैं कि 5 तारीख को ये होगा, सारा बोल दिया, अब फिर यहाँ पूछा ये नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पिछले 65 दिन पहले आप सभी का धरना पटना के गर्दनी बाग में चल रही थी, उस समय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय यही सभी मीडिया वालों को बोले कि 2-3 दिनों में ये जो है वो मामला सॉल्व हो जाएगा, फिर हम उसके बाद शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं। उनका होली से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि फिर से फेसबुक के माध्यम से उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो विभाग काम कर रही है वो सकारात्मक है और उसका परिणाम आप सभी को जल्दी ही दिखाई देगा, आप लोग चिंता ना करें। तो इस तरह से करना क्या साजिश तो नहीं है? ये बिल्कुल साजिश है,
ये बिल्कुल साजिश है, और ये बार बार ये बोल रहे हैं कि परिणाम बहुत जल्द मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। तो ये तो आज हम लोग 2-3 साल से यही चीज सुन रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा और सकारात्मक होगा, परिणाम जल्द मिलेगा। तो कब जल्द मिलेगा, इनकी जल्द जो जो शब्द है वो कब आएगा? 6 महीना में आएगा, साल भर में आएगा, ये 2 साल में आएगा, क्या आएगा, ये अभी तो निश्चित ही बता नहीं रहे, केवल कहते हैं कि सकारात्मक काम हो रहा है। सकारात्मक काम जो हो रहा है वो तो दिखाई भी देनी चाहिए ना जी, आप सकारात्मक काम कर रहे हैं और दिखाई नहीं दे रही है। क्या हम लोग मैंने अनपढ़ है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग भी सब चीज देख रहे हैं लगातार, हम लोग कोर्ट से लेकर के सचिवालय तक हम लोग सारी चीज को वाच कर रहे हैं, कहाँ आपका सकारात्मक काम दिखाई दे रहा है जी? हमें बताएं ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय कि आपका सकारात्मक काम कहाँ दिखाई दे रहा है। आपके आपके जब कार्यालय में जाते हैं और आपसे हम बात करते हैं तो आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं उस मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा। आप मुस्कुराते हैं, अरे मुस्कुराते आप मुस्कुराइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं मुस्कुराइए, लेकिन इसका क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो अप्सरा का काम कर रहे हैं, जो अप्सरा काम किया करती थी ऋषि मुनियों को मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहलाती थी। इन लोग को तो साफ क्लियर, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको साफ क्लियर करना चाहिए जी, ये बहाली करेंगे या नहीं करेंगे जी। अगर इनको मन में है कि हम नहीं करेंगे वो भी बताएं हम लोगों को, हम लोग भी दूसरा काम करेंगे, क्या करेंगे? कब तक हम लोग इस तरह के माने माथा पर टेंशन लेकर के जो घूम रहे हैं गार्जियन से लेकर के और पूरे समाज के लोग जो इस तरह का हम लोग पर व्यंग करता है, लोग कसता है कि आप लोग को नौकरी हो गया ना, कितना बुरा लगता होगा आप समझिए। बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़कियां हैं जिनका शादी विवाह रुका हुआ है, इसके कारण अगर मान लीजिए कुछ सेटल हो जाएंगे, अच्छे फैमिली में शादी हो जाएगी, हर कोई की आशा उम्मीद में लगे हुआ है, और आप जो है इस तरह से मुस्कुराते रहते हैं जब भी जाएंगे तो कहते हैं कि बी पॉजिटिव रहिए। प्राथमिक हम लोग बी पॉजिटिव रहेंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ऊपर से विश्वास उठ गया है सभी अभ्यर्थियों का, ये मैंने देखा है, और उनकी लोकप्रियता जो है वो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में घटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मंशा साफ नहीं है, सब लोग खाली झूठ मूठ करके ये आश्वासन दे करके लोगों को बरगला करके फुसला करके काफी दिनों तक खींच के ले जाना चाह रहे हैं। तो सर आप सही नहीं है, बीच में आपको रुकूंगा, जैसे कि आपको भी मालूम है और आपके संगठन को भी मालूम है कि इस तरह से हो रहा है, तो आगे 5 तारीख के बाद आपके संगठन के द्वारा कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है? देखिए सबसे पहली बात कि इधर हम लोग लगातार जो भी मंत्री हैं या जो भी सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, या जो विधान पार्षद हो, विधानसभा के सदस्य हो, सभी लोगों से हम लोग संपर्क करने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं जी। और हम लोग अभी हम जस्ट तुरंत अभी नवल भैया के यहाँ से भी हम बात किए हैं, तो चूंकि वो होली के कारण थोड़ा अभी डिस्टर्ब है, लोग अभी पूरी तरह से कार्यालय में नहीं बैठ पा रहे हैं जी। तो जैसे ही वो बैठेंगे उनसे संपर्क करेंगे हम, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री से भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से भी हमें ये समझ में आया है, कुछ लोगों से मैंने बात की है जी, उन्होंने कहा कि 5 तारीख तक देख लीजिए, 5 के बाद आइए, तो आपको कहने के लिए भी होगा कि आपने तो 5 तारीख को समय दिया था जी और आप लोगों ने किया नहीं, तो आपको कहने का भी एक आपको अधिकार मिल जाएगा और उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी जितने भी तरह के कुछ लोग हैं, जैसे केदार पांडे सर हैं, गुलाम गौस जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर जिनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि होली के बाद बहुत लोग गांव चले गए हैं, कुछ लोग अस्थिर नहीं है। 5 तारीख से पहले अभी हम सभी लोगों से संपर्क कर रहा था, मैं बहुत जगह कॉल किया अभी, तो मुझे मालूम हुआ कि 5 के पहले मिलना असंभव है, बहुत लोग गांव चले गए हैं, 5 तारीख के बाद ही आएंगे, सोमवार को कुछ कह रहा है, कोई मंगल को कह रहा है, तो हमें लगता है कि 5 तारीख के बाद ही सब लोगों से मुलाकात हो पाएगी। जो जो गांव चले गए हैं, कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ अपना निजी काम में, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो हमें लगता है कि जो मान्य पटना में उपस्थित हैं उनसे हम प्रयास करेंगे मिलने के लिए, और जो नहीं है तो 5 तारीख के बाद फिर हम लोग का एक अभियान चलेगा। हम लोग प्रत्येक प्रधान सचिव से लेकर के तब तक वो प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर भी आ जाएंगे जी, उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी हम लोग बात करेंगे,
हम लोग काम में लगे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जो उपस्थित रहेंगे उनसे मिल पाएंगे, जो उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनसे हम लोग 5 तारीख के बाद मिलेंगे। सर जी, जैसे कि 94,000 अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार का प्रश्न है कि जब से एसटीईटी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है तब से बहाली की प्रक्रिया मतलब करवाने के लिए जो संगठन काम कर रही थी उसके अंदर में कुछ ना कुछ जो है वो शिथिलता आई है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि एस्टेट का जो रिजल्ट हुआ तो एस्टेट का रिजल्ट से हमें नहीं लगता है, लेकिन चूंकि इधर लगातार जो 5 तारीख का जो डेट पड़ा है ना जी, जिसके कारण सभी लोग थोड़ा अस्वस्थ हो गए कि 5 तारीख को कुछ ना कुछ होगा जी, जिसके कारण कुछ शिथिलता आई है जी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो शिथिलता बहुत दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी जी, बहुत जल्द हम लोग इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं जी, और काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी लोगों से संपर्क करके उनसे विचार विमर्श करेंगे क्या कैसे किया जाए, और कुछ कानूनी प्रक्रिया के लिए भी वकील वगैरह से हम लोग भी संपर्क में है, जिसमें हम लोग कौन सा हम लोग को कानूनी कोई स्टेप लेना होगा जी, उसको कैसे हम करेंगे ताकि हम हमारे लिए जो फायदेमंद हो नुकसान नहीं हो जी, तो इन सारी चीजों पर कोर टीम के नजर है, और कल हम लोग जूम मीटिंग में भी कुछ बातों पर चर्चा की है जी, और उसमें हम लोगों ने इंटरव्यून बनने की बात हुई है, तो उसमें भी हम लोग सब लोग सलाह ले करके और वकील साहब से भी हम लोग सलाह लेंगे और इस पर तब अंतिम फैसला लेकर के हम लोग आगे काम करेंगे। तो तब तक काम जी, जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं 3800 जिला के जो अध्यक्ष हैं, सरकार को ये ना लगे कि ये लोग सो गए हैं, एसटीईटी का रिजल्ट हमने दे दिया है तो इनको बांट दिया है, तो जो जिला अध्यक्ष हैं उनको आप कोई कार्य सौंपना चाहेंगे जिससे कि वे अपने जिला में और संगठन को मजबूत करें और अपने अभियान को जारी रखें, क्योंकि 5 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं जी, सभी जिला अध्यक्षों से मेरा ये कहना है कि आप जिला स्तर पर तैयार रहें। बिल्कुल, जिला स्तर पर जो भी चीज आपको देना है, मान लो डीओ को देना है या बीच बीच में आप लोग कुछ ग्रुप बना करके वहाँ डीओ के यहाँ भी कुछ आवेदन दे करके वहाँ जिला स्तर पर भी जो डीएम के यहाँ सब दबाव बनाने का जो काम है वो आप लोग करिए। यहाँ पटना में जो मंत्री हैं या विभाग है उन पर हम लोग यहाँ पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी कोर टीम कर रही है जी, लेकिन जिला में जो भी है वो अपने जिला में सभी लोगों को संकेत करें, अभ्यर्थियों को जोड़ के रखें, अभ्यर्थियों को जोड़ के रखें, कभी भी तूफान आ सकती है। हाँ बिल्कुल, एकत्रित करें, एकत्रित करके और संकेत करके, और जिला स्तर पर जो डीएम कार्यालय हो गया या डीओ कार्यालय हो गया तो वहाँ पर जाकर के आवेदन दे करके और वहाँ पर दबाव बनाने का काम प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाए। उससे क्या होगा कि जो जिला स्तर पर जो दबाव बनेगा वो सचिवालय के शिक्षा विभाग पर आएगा जी, और यहाँ पर शिक्षा विभाग पर हम लोग कोर टीम है, इस पर दबाव बनाए हुए हैं, ऐसा बात नहीं, हम लोग लगातार संपर्क में है और संपर्क में रहेंगे जी, तो आप लोग जिला स्तर पर संचित कीजिए सभी लोगों को। हाँ, लोगों मान लीजिए कि अगर सरकार नहीं कुछ करती है, अगर सरकार कुछ देख लेते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, सरकार नहीं कुछ करेगी तो अंत में सभी लोगों को विचार विमर्श करने के बाद फिर हम लोग सक्रिय रूप से कुछ और भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सब लोगों से राय लेकर के ही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिला स्तर पर अपना तैयार रहें, 100-200 लोगों को संगठित करके रखें कि कभी भी तूफान आ सकती है। 100-100 अगर मान लीजिए प्रत्येक जिला से 100 अगर लड़का को जोड़ देते हैं, 100 लड़का को भी संगठित करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होगा, और 100 लड़का जुड़ जाएगा और वहाँ पर जिला स्तर पर जो दबाव बनाएंगे, फिर हम लोग को जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको पटना बुलाएंगे, तो उस समय आप लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी सभी लोगों को विचार विमर्श करके तभी हम लोग आगे कुछ स्टेप लेंगे जी। अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। बिल्कुल, 5 तारीख तक देख लेते हैं, उसके बाद दिशा होगा, उसमें फिर हम लोग करेंगे, कुछ कानूनी प्रक्रिया भी हम लोग को करना पड़ेगा, तो वकील से हम लोग राय लेकर के और सभी लोगों से विचार विमर्श करके तब हम लोग उस पर भी कुछ काम करेंगे। वो तो कोर टीम शुरू से ही तत्पर है, एक एक केस नहीं, कितने सारे केस जो है दिसंबर को खारिज करवाया, डेट पीटीसी हो गया, इधर फिर से जो है एलपीए वाला केस है, उधर प्राथमिकता वाला केस है, उधर एक्ट वाला केस है, इधर दिव्यांग वाला केस है, सभी पे कोर टीम का नजर है। ये तो 94,000 अभ्यर्थियों को सोचना ही चाहिए, लेकिन अपने जिला स्तर पे बिल्कुल मजबूती से संगठित किया जाए, क्योंकि कभी भी तूफान आ सकती है, ये नहीं कि तूफान आए तभी घर बनाए, पहले से ही अपना बना के रखें, आपका कहना यही है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जिला स्तर पर जो भी होंगे तैयारी में रहे जी, और तैयार सभी लोगों को संचित करें, और जिला स्तर पर जो आपको दबाव बनाना है, जो डीएम कार्यालय हो या डीओ है, वहां पर दबाव बनाएंगे। 38 जिला का जो मैसेज है वो आएगा पटना सचिवालय शिक्षा विभाग पर जी, और वो जब यहाँ पर हम लोग दबाव बनाएंगे तो सरकार भी सोचेगी कि नहीं, लोग अभी सजग है, बिल्कुल शिथिल नहीं हो गया है, बिल्कुल। उससे हम लोगों का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू जाएगा जी। इसलिए आप लोग जो भी जिला स्तर पर सोए नहीं, बल्कि लोगों को संचित, देखिए समय बीत रहा हम समझ सकते हैं, काफी लोग में निराशा हो गई, आशा धूमिल हो रही है जी, लेकिन जी। हमें आशा को छोड़नी नहीं, हमें आशा को बरकरार रखनी है जी। और उसमें हम लोग को जो काम वो करेंगे बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है जी। आप लोग संचित करके जिला में रखिए, जब भी जिला संचित रहेगा तो पटना भी तुरंत हम लोग संचित होकर के कुछ आगे भी हम लोग स्टेप लेंगे, जो भी होगा हम आप लोगों को सलाह मशविरा लेकर के हम लोग काम करेंगे जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑल टीटी तैयारी चैनल पर इतना समय दिया। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे लास्ट प्रश्न यही कहूंगा कि जितने भी हमारे 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, और ये ना सोचे कि सरकार ने एक साजिश कर दिया, एसटीटी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया तो 25,000 लोग पास हो गए तो वो लोग अभी धरना में नहीं आएंगे या उनको अब इस बहाली से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह का मन में प्रश्न ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी जो स्टेट पास किए हैं वो भी सीटेट पास है, बीटेट पास है, उन लोग का भी मेघा सूची में मेघा अंक में जो उन लोग का भी स्थान है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं भाग लेंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग मिल करके काम करेंगे। हम लोग तो इस तरह का ए स्टेट बीटेट सीटेट के जो बीच में किसी तरह का हम लोग दीवार खड़ा करने का काम नहीं करें, सभी लोग को, सभी लोग बराबर हैं, सीटेट भी बीटेट एस्टेट सब लोग बराबर हैं जी। और दोनों की प्रक्रिया दो शिक्षा विभाग में भी दो डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा होगा, एक प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा होगा जी, और दोनों की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको एक मान करके ठीक है, जो पास किए हैं वो 94,000 में भी पास है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो छोड़ देंगे, बिल्कुल। हम मान लीजिए कि कोई भी मेरा ही रिजल्ट हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम 94,000 को छोड़ दिए जी, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल और साथ में है, जो भी वो 94,000 के लिए बहाली के लिए जो भी होगा वो हम लोग कर रहे हैं करेंगे, इस तरह के अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं दे, और अपना 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 ड्यूटी अपने अपना अपना जो आपको जिम्मेवारी दी गई है उसका निर्वहन करें जी, इसका पालन करें तभी हो पाएगा जी। जी तो ठीक है सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।